दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत तथा उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरम्भ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान श्रीहरि का पूजन करें तथा रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। नारायण के समीप बैठकर जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 बरस तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1,000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1,000 गुना पुण्य कन्यादान दान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान से प्राप्त होता है और विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1,000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वालों को तो महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने 1,000 यज्ञ और 1,00,000 गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करता हुआ देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं।
आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईष्ट, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। उनका युद्ध चलता रहा, परंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान श्री हरि के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने उत्पन्ना एकादशी को वरदान दिया। उत्पन्ना एकादशी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिनों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में यह एकादशी मार्गशीर्ष में पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में इसे कार्तिक मास में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस बार यह एकादशी 22 नवंबर 2019 को है। उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त है 22 नवंबर। तिथि प्रारंभ है 22 नवंबर 2019 को सुबह 9:01 से। तिथि समाप्त है 23 नवंबर 2019 को सुबह 6:24 तक। और पारण का समय है 23 नवंबर दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:15 तक। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।